पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुकम्मल, इंतखाबात में उजलत, कई कानूनी तकाजे अधूरे, मुखालिफीन ने कानूनी हैसियत पर सवालात उठा दिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर शदीद तनकीद, पीटीआई के मुनारिफ और बानी अराकीन में शामिल अकबर एस बाबर का इस पूरे अमल को कानूनी फोरम पर चैलेंज करने का ऐलान। पार्टी आइन के तहत नेशनल काउंसिल इंतखाब करना था, मगर इसका कोई बाज़ाब्ता इजलास ही मुनक़िद नहीं हुआ। इलेक्शन से पहले न पैनल बने, न बैलेट पेपर छपे, कागजात नामजदगी जमा करवाने की न तशहीर हुई, न कागजात पर एतराज का मौका फराहम किया गया। तमाम ओहदों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जुमे की शाम 3 बजे तक जमा करवाए जाने थे। उमर अयूब, हम्माद अजहर और अली अमीन गंडापुर ने नामालूम मकाम से इलेक्शन में हिस्सा लिया, जबकि शाह महमूद कुरैशी और यास्मीन राशिद ने जेल से बिला मुकाबला इलेक्शन जीता। यही वजह है कि अकबर एस बाबर ने पहले ही इस इलेक्शन को सिलेक्शन करार देते हुए चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। दूसरी जानब तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन के जराये के मुताबिक पार्टी इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात के तमाम जरूरी कानूनी तकाजे पूरे किए, जिनका हर कानूनी फोरम पर दिफा किया जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।